चैनल DIY with Pigs। सर्दियाँ आ चुकी हैं और अपने साथ क्या लाई है, खूब सारी लाई है ड्राइनेस, इचीनेस और डलनेस टू। और जिनकी स्किन में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है उनमें डलनेस ज़्यादा आती है। आई एम पर्सनली अ वेरी सुपर से ऊपर वाला ड्राई स्किन पर्सन, तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है आई एम डैम श्योर कि जो बाहर बिल्कुल जो लोग देख रहे हैं ना मुझे, उनके साथ जो ड्राई स्किन पर्सन है उनको इस कॉमन प्रॉब्लम का ज़रूर पता होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं वो है ड्राइनेस और ड्राई पैच। गाइस यस, आप अपने फेस पे देखना कि कभी आपको व्हाइट कलर के ना ड्राई पैचेस मिलेंगे। एक होता है ना सिंपल वाला ड्राई पैचेस, चलो व्हाइट है ड्राई पैचेस है वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। बट एक होता है कि एक्सट्रीम लेवल का ड्राई पैच, वो क्या होता है एक्सट्रीम लेवल का ड्राई पैच, कभी सुना नहीं, मैं बता देती हूँ वो क्या होता है एक्सट्रीम लेवल का ड्राई पैच। वो होता है कि अगर आप उस व्हाइट ड्राई पैच पे ऐसे खारिश से करेंगे ना तो एक डैंड्रफ जैसा उठता है उसमें, एक ऐसे होता है कि कुछ डैंड्रफ निकल रहा है, तो वो है गाइज एक एक्सट्रीम 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 लेवल का ड्राई पैच। उसको क्योर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ कॉमन ये प्रॉब्लम है हर एक सर्दी में मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ, और मैं इस चीज़ से टैकल करने के लिए क्या करती हूँ, जी हाँ मैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए करती हूँ अपनी दादी माँ का बताया हुआ नुस्खा। और वो मेरी दादी माँ ने क्या नुस्खा बताया था जिससे मैं अपनी स्किन का केयर करती हूँ। यस गाइस, ये बिल्कुल भी इधर उधर से पकड़ा हुआ नहीं है, ये मेरा एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो मेरी ग्रैंड माँ ने मेरे को बताया था, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली। तो चलिए गाइस, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या वो है तरीका जिसे आप अपनी सर्दियों में अपनी स्किन को रख सकते हैं बिल्कुल ग्लोई डी एंड परफेक्ट। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक लेना है कांच का बर्तन, एक लेना है आपको कांच का बाउल। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप कोई भी फेस पैक बनाए या कोई भी ऐसी चीज बनाए जो आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है, उसके लिए आप हमेशा ही ध्यान रखें कि आप एक ग्लास का ही कांच का ही एक बाउल ले। दूसरा आप लेंगे एक चम्मच, उसमें लेंगे मलाई, मलाई ऑलवेज फ्रेश यूज करें। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लेमन जूस। यस गाइस, लेमन जूस, लेमन जूस क्या करता है, वो आपकी स्किन को एक निखार देता है, एक फ्रेशनेस देता है। लास्ट चीज आपने इसमें ऐड करनी है, वो आपने ऐड करनी है 1 pinch, 1 pinch हल्दी। दोस्तों हमने अपना फेस पैक तैयार कर लिया है, और उसको लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने फेस को एक अच्छे से वेट वाइप से क्लीन करेंगे। बिल्कुल भी डर्टी फेस पे आपने फेस पैक नहीं लगाना है, नहीं तो इससे आपको पिंपल्स के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर कि आप अपने स्किन को एक अच्छे से वेट वाइप से साफ करेंगे या धो लेंगे, किसी भी अपने ठंडे पानी से फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, अपने फेस को आप अच्छे से क्लीन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब ये फेस पैक हमारा लगाने के लिए तैयार है, हमने क्या करना है इसको अच्छे से, इस फेस पैक को अपने चेहरे पे लगा लीजिए, हमने इस तरह से इसको लगा लेना है। इस तरीके से इस फेस को लगाने के बाद इसको अपने स्किन पर 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज देनी है, 5 से 10 मिनट के लिए। जिन लोगों की ड्राई स्किन है मलाई उसके लिए एक बहुत ही अच्छे एक मैजिक की तरह काम करता है। दोस्तों विंटर्स में मलाई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मलाई को आप रेगुलर यूज़ करें अपने स्किन पर अगर आपको फेयर स्किन चाहिए तो। इसमें हमने नींबू डाला है, नींबू से आपको एक अच्छा निखार मिलता है, हल्दी डाली है, हल्दी आपकी स्किन को क्या करता है, हल्दी एक एक एंटी एजिंग होती है जो आपकी स्किन को रिंकल से बचाती है, इम्प्योरिटी से बचाती है। और गाइज ये पैक आपके लिए एक वंडर साबित हो सकता है अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे, रात को सोने से पहले लगानी है ये पैक को, और 10 मिनट तक इसकी मसाज करके इसको अच्छे से आपने साफ कर लेना है, फिर 10 मिनट तक इसकी अच्छे से मसाज करें। चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और मैं अपने स्किन में अच्छे से मसाज दे चुकी हूँ 10 मिनट तक अपने इस फेस पैक को, अब मैं इसको क्लीन करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने अपनी स्किन को कर लिया है वॉश, बिल्कुल ही ठंडे पानी से साफ कर लिया मैंने अपनी स्किन को, और आपने भी कुछ ऐसा ही करना है, 7 दिन तक लगातार करना है, 7 दिन के बाद आप बताना कि आपकी स्किन पर कोई असर हुआ कि नहीं। सो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और खूब सारा प्यार जरूर देना। थैंक यू सो मच।